आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय सराय प्रवली मिश्र टोला में चलता था। पिछले चार माह से आंगनबाड़ी सेविका मंजू देवी अपने घर पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कर रही हैं, जो कि मुसहर समुदाय के टोले से 2 किलोमीटर दूर है। इसके कारण मुसहर समुदाय के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रमेश मुसहर के परिवार के बच्चे हैं। उनके परिवार के लगभग 4 बच्चे हैं जो इस केंद्र में पढ़ने नहीं जाते हैं और लाभ से वंचित रह जाते हैं। आप आपका बच्चा अभी जाता है कि नहीं पढ़ने? नहीं, अब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आंगनबाड़ी दूर हो गया है। पहले कहाँ था? पहले ही जाता था। नज़दीक था कि दूर? नज़दीक था। अब कहाँ चला गया? दूर चला गया, चमरटोली चला गया। तो वहाँ पर क्यों बच्चा नहीं जाता है? वहाँ दूर हो गया इसलिए नहीं जाता है। अभी आंगनबाड़ी नहीं है जी, तो कहाँ से जा सकता? दूर के लिए नहीं कहाँ से जा? दूर चला गया है। पहले नज़दीक था कि दूर था? नज़दीक रहा तो जाता रहा हम सब, दूर के हो गए तो नहीं कहाँ से जा। दोनों बच्चे आंगनबाड़ी में लायक है? हम यही चाहते हैं कि हमारा फिर आंगनबाड़ी हमारा मुझसे टोली आ जाए। तब आपका बच्चा जाएगा पढ़ने? सब जाएगा पढ़ने, पूरा गांव को लेकर भी चला जाएगा वहाँ पर। आप ही का बच्चा नहीं जाता है कि सब बच्चे स्कूल नहीं, उन लोग आंगनबाड़ी में नहीं जाते हैं? कोई बच्चा आंगनबाड़ी में नहीं स्कूल जाता है यहाँ मुसहर टोली से। मैं चाहती हूँ कि पुनः प्राथमिक विद्यालय सराय प्रौली मिश्र टोला में केंद्र का संचालन हो अथवा धर्मशाला में किया जाए। इसके लिए मैं प्रभावित समुदाय से आवेदन पत्र CDPO भगवानपुर हाट सिवान के कार्यालय में दिलाऊंगी, जिनका मोबाइल नंबर 9431005244 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं ज्ञानती कुमारी सिवन, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।